हिफाजत दिल और निगाह की होती है। याद रखिए निकाह का ये बड़ा अजीम बहुत बड़ा फायदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया कहा, ऐ नौजवानों, जो तुम में से निकाह की इस्तेतात रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह जो है निगाह को, शादी जो है निगाह को बचाता है और शर्मगाहों की हिफाजत का बायस है, और जो निकाह की इस्तेतात ना रखता हो वो रोज़ा रखे, रोज़ा जो है ख्वाहिशात की जब्त करने का सबब बनेगा। जो शादी नहीं कर सकता है वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा ख्वाहिशात को जब्त करने की, कंट्रोल करने की वजह या सबब या रीज़न बनेगा। तो यहाँ देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, ऐ नौजवानों, जो तुम में से निकाह की इस्तेतात रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह निगाह को बचाता है, तो नजर नज़र की हिफाजत, फिर फरमाए और शर्मगाहों की हिफाजत का बायस है। ठीक है कि शर्मगाह की हिफाजत होती है इससे, है ना, कल्ब और नज़र की जो है सेफ्टी होती है वो इस तरह से कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर लेता है, शर्मगाह का उससे गलत इस्तेमाल नहीं होता है, दिल भी कंट्रोल में होता है, निगाह भी इंसानी कंट्रोल में होती है। तो कहा जो ऐसा ना कर सके तो वो क्या करे, रोज़े रखे, जो ऐसा ना कर सके वो रोज़े रखे, इसलिए कि फिर रोज़ा शहवत पे कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेता है।